हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं व्यंजन अड़ा। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, आपको यहाँ पर व्यंजन अड़ा दिख रहा है। अड़ा मीन्स अड़ा खाली होता है। अड़ा से हम लोग कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। अड़ा वो शब्द है जो अक्षरों के लास्ट में आता है, शब्दों के लास्ट में आता है और या फिर बीच में आता है। जैसे कि जब हम लिखते हैं कड़, तो का हड़ा कड़, तोड़ा जो है वो हमारा सेकंड वर्ड हो गया। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट है, जैसे कि हम लिखते हैं चरण, तो चा रा हड़ा चरण, तोड़ा कैसा कौन सा शब्द हो गया? लास्ट वाला शब्द हो गया। और जैसे कि अगर हमने लिखा है प्रणाम, प्रणाम, तो अड़ा जो है वो बीच में आ गया है। कहाँ आ गया है? बीच में आ गया है। तो मैम आपको ये बताना चाहती है कि अड़ा को हम लोग खाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि अड़ा से कोई भी शब्द नहीं बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसलिए हम लोग अड़ा खाली बोलते हैं, क्योंकि ये पहला शब्द नहीं होता है, पहला अक्षर नहीं होता है। ये हमारे शब्दों के या तो बीच में आता है या फिर लास्ट में आता है, लेकिन शुरुआत में कोई भी हम शब्द नहीं बना सकते हैं इसको यूज़ करके। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अड़ा खाली। तो आज आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में अड़ा खाली को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है और सीखना है। ओके, गुड।